प्रोफेसर रविकांत, मैं एक चीज और, क्योंकि मैं उनकी राहुल गांधी की सारी स्पीच को फॉलो किया मैंने और ठीक से सुना, वो जो बार बार बात कह रहे हैं और इन लोग जो एक झूठ बोल रहे हैं और वो बड़े पद पे बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे हैं, टीवी के एंकर बोल रहे हैं, वो स्पष्ट किया उन्होंने कि ये जो देश की समस्याएं हैं ये इंटरनल हैं और इसको हमें ही ठीक करना है। और फिर उन्होंने एक उस क्वेश्चन को जरा लार्जर पर्सपेक्टिव दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के कारण अगर भारत का लोकतंत्र नहीं बसता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि केवल असर ही नहीं, वो फेटल भी हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में लोकतंत्र बचे ही ना। और अगर कोई ये स्टेटमेंट दे रहा है तो इसमें कहां वो भारत के ऊपर कुछ कह रहा है, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। मैं एक चीज इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या भाजपा पर सवाल उठाना राष्ट्र पर हमला है? ये जानबूझ के इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है इस पूरे नैरेटिव को, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा, अरे अरे इसका मतलब भाजपा का और राष्ट्र एक है, ये जानबूझ के किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। यहां पे मेरे एक ऑडियंस है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा और ये मैं पढ़ दे रहा हूं और उसमें आप, वो कह रहे हैं महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध जीतने से ज्यादा भीष्म की सुरक्षा की चिंता थी दुर्योधन को, क्योंकि उसको लगता था कि भीष्म सुरक्षित रहेंगे तो युद्ध वही जीतेगा। यही हाल आज आरएसएस बीजेपी का है। और कौन भीष्म है कौन दुर्योधन है इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, हम लोग भी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन क्या यही स्थिति हो गई है? उसको कहीं भी है कि भाई इनको बचा के रखना, अगर इनकी इमेज गड़बड़ हो गई तो फिर सारा मामला वोट का गड़बड़ हो जाएगा। प्रोफेसर रविकांत, बहुत धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी के बारे में जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन वो इस देश के लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। और बीजेपी के लोगों को यह भी भरोसा है कि इस देश की जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसने राहुल गांधी की छवि में जो परिवर्तन किया, अब छवि में कह रहा हूं, उनके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें थी, मसलन चाहे नोटबंदी का सवाल रहा हो, कोरोना का सवाल रहा हो, राहुल गांधी पहले आकर के इन तमाम चुनौतियों को लेकर के बात करते हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंगते। चाइना जब घुसपैठ कर रहा है उस समय भी राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमको करीब करीब 2 से 3 दर्जन सैनिक गंवाने पड़े, कोरोना में लाखों लोग मर गए और नोटबंदी से करोड़ों लोग तबाह हो गए। जीएसटी ने क्या हालात किए हैं सिंह साहब? इधर मैं 2 चीजें आपके सामने लाना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बीजेपी का कोर वोटर रहा है बनिया, लेकिन पिछले 2 साल में, माने जो सर्वे है 2020 और 21 का, उसके आधिकारिक आंकड़े इस बात को कह रहे हैं कि इन 2 सालों में कारोबारियों ने ज्यादा आत्महत्या की है बजाय किसानों के, वरना पिछले 3 दशक से तो हम किसानों की आत्महत्या को देखते चले आ रहे हैं कि किसान आत्महत्या करने के लिए अभिशप्त है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, उसके लिए किसानी घाटे का सौदा है। लेकिन इस नोटबंदी और जीएसटी ने जो किया है कि 20 और 21 में कारोबारियों की आत्महत्या के आंकड़े पार कर गए हैं किसानों की आत्महत्या पर, और उसमें भी जहां हम लोग बैठे हैं उसके ठीक बगल में कानपुर में सबसे ज्यादा कारोबारियों ने आत्महत्या की। खैर, वो एक अलग आंकड़े का मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस फेलियर को, इन असफलताओं को और जनता की इस दुर्दशा से उसका ध्यान हटाने के लिए लगातार वो राहुल गांधी को टारगेट करना चाहते हैं। किरण रिजिजू के जो शब्द हैं, अब आप देखिए, एक लंबे समय से वो शब्द बंद हो गया था, आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं और वो देश का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी को अक्ल नहीं है। माने बिल्कुल ठीक वही थ्योरी, ठीक वही शब्द जिन पर करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी के छवि को उस तरह से बनाया गया था।
5 महीने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जो सीखा, राहुल गांधी ने जो लोगों से कनेक्ट किया, राहुल गांधी ने करोड़ों लोगों को जो गले लगाया और उनके दुख दर्द को समझा और एक विश्वास पैदा किया जनमानस में, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को लेकर के लोग विश्वास से भर उठे और जो सरकार की असफलता है उस असफलता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ न चले। इसलिए उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है। मैं इसको कतई इस ढंग से नहीं लेता कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है, उनका वो काम है वो करेंगे, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की छवि खराब करके कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बता करके ही चुनाव जीतना है, क्योंकि उनके पास सफलता के नाम पर, इस देश में डिलीवरी के नाम पर, लोगों के कल्याण के नाम पर कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी का आलम क्या है, महंगाई कहां पहुंची हुई है, उत्पीड़न की घटनाएं रोज आप देख रहे हैं, सरेआम दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लेकिन आप बुलडोजर चला रहे हैं किसी गरीब के घर पर। और यहां पर जो आलम है दलितों का, पिछड़ों का, और उसके समानांतर जो इस समय जो अभी शमीम साहब कह रहे थे कि हिंदू अब खड़ा हो रहा है, ये हिंदू है ही नहीं उस ढंग से। इनका हिंदू जो सरकारी हिंदू है बहुत अलग तरह का, असल में जो हिंदू है वो जातियों में विभाजित है, उन्होंने उसको सरकारी हिंदू बनाने की कोशिश की थी। अब उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना तो इन्हीं हिंदुओं की हुई जिनको हिंदू बनाया, तो उसमें दलित पिटा सबसे ज्यादा, उसमें ओबीसी का अधिकार सब उसके मारे गए। अब वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि नहीं साहब, हमारे अगर अधिकार नहीं होंगे, हमारे उत्पीड़न के लिए हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे। तो अब वो जो इन्होंने उसको सरकारी हिंदू बनाया था वो अब फिर से उलट करके आ रहा है जातियों के खोल में, इससे परेशानी है। और ऐसे में राहुल गांधी के साथ लोग ना चले जाए तो राहुल गांधी पर हमला जारी रखना उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि जनता तब तक ही आपकी सुनती है जब तक आप में थोड़ा भरोसा होता है। नरेंद्र मोदी पर, जिनको भविष्य में मैं कह देता हूं कि भीष्म कौन है, उन पर भरोसा लोगों का डिगने लगा है, क्योंकि इतना झूठ बोलना, इस तरह की फरेब की राजनीति करना, लोगों को विभाजित करना, राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया है? लेकिन ये हम लोग बात कहेंगे कि आप सरेआम देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उनको रोक नहीं रहे, चाहे वो दलितों का उत्पीड़न हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो। ऐसे कभी हुआ कि चाकू आप तेज काट डालिए लोगों को? ऐसे कभी आपने बयानबाजी सुनी होगी? मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में कभी ऐसी बयानबाजी सुनी गई होगी। तो अब जो हो रहा है इस देश में उसी पर राहुल गांधी अपनी बात कर रहे हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है और ना ही उससे देश की छवि गलत हो रही है, बल्कि वो देश की जो छवि इधर जो बर्बाद हुई है उसको एक्सपोज करके वो एक उम्मीद के साथ है कि नहीं, हमें ये छवि नहीं बनानी है, हमें देश को दुरुस्त करना है। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि राहुल गांधी की छवि को ऐसा होने नहीं देना है, नहीं तो दिक्कत उनके लिए पैदा हो जाएगी। यही काम बीजेपी कर रही है। जी, प्रोफेसर रविकांत, जो बात वो करेक्शन नहीं था, वही बात है, वही सवाल है, मतलब सीधे सीधे वो विचारधारा की लड़ाई लड़ने के मूड में आ रहे हैं राहुल गांधी, जैसा लग रहा है। डेफिनेटली भारत जोड़ो यात्रा के समय पे भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में उन्होंने सावरकर पर हमला किया और आरएसएस को लेकर के उनमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के और बहुत सारे लीडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आरएसएस को लेकर के थोड़ा बैकफुट पर रहते हैं या कहते हैं कि नहीं वो सांस्कृतिक संगठन है, उसका कुछ चीजें तो उसकी ठीक है। राहुल गांधी उसकी बुनियाद पर हमला कर रहे हैं कि उसकी आइडियोलॉजी ही देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष में नहीं है, वो फासिस्ट संगठन है। तीन तीन बार उस पर प्रतिबंध लग चुका है, खुद सरदार पटेल ने उस पर प्रतिबंध लगाया, इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद राव के समय पर उस पर प्रतिबंध लगा। और मैं जो कह रहा था कि ये हमला राहुल गांधी का 2014 और 15 में जस्टिफाइड नहीं हो सकता था, लोग उसको नहीं सुनते, लेकिन आज की तारीख में जब सत्ता के करीब 8-9 साल हो चुके हैं, आरएसएस ने जिस खोल में अपने आप को ढक रखा था, जो उसने प्रपंच पैदा किया था कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है,
और सिंह साहब आपको तो याद होगा कि सरदार पटेल ने जब बैन हटाया था उस समय एक ये शर्त थी कि आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे तभी आप पर बैन हटाया जाएगा। उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ हम सांस्कृतिक संगठन ही रहेंगे, लेकिन जैसा कि मधु लेमये कहा करते थे या तमाम लोग आज भी कहते हैं कि आरएसएस के बहुत सारे मुख हैं, वो एक नहीं 10 मुंह से बात करता है, वो कब क्या कहेगा कब क्या करेगा। आज भी मोहन भागवत जब कह रहे हैं कि जातियां भगवान ने नहीं ब्राह्मणों ने बनाई पंडितों ने बनाई हैं, या अभी तो उन्होंने कहना शुरू किया कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा कीजिए, हम सब जानते हैं कि मोहन भागवत के कहने का मतलब क्या है। क्या मोहन भागवत इसमें ईमानदार है? कतई नहीं है। और जो सांस्कृतिक संगठन है, जो सेवा करने वाला संगठन है, वो कोरोना काल में कहां गया था? इस देश के तमाम मस्जिदें और तमाम गुरुद्वारे लोगों के लिए खुले हुए थे। आप बता दीजिए कि एक भी मंदिर खुला हुआ हो राहगीरों के लिए, जो मजदूर आ रहे थे जिन पर लाठियां पड़ रही थी, जो भूखे प्यासे थे, उनको किसी मंदिर में शरण मिली क्या? नहीं मिली। या उन्होंने किसी मंदिर से या आरएसएस का कोई संगठन क्या सेवा कर रहा था? ये आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो बड़ा नेक काम करते हैं, हम नैतिकतावादी हैं। इसी कोरोना काल में और उसमें ज्यादातर भाजपा ही जिनको दवा नहीं मिल रही थी, 10,000 रुपए में 1,000 का इंजेक्शन मिल रहा था, आरएसएस का कोई संगठन गया लाठी लेकर के, जो अभी 14 फरवरी को लेकर के आ जाते हैं कि साहब आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते हैं, या कभी मुसलमानों को लेकर के, ईसाइयों को लेकर के कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण कैसे हो रहा है, या आजादी के पहले से लेकर के अब तक कैसे हुआ? आपने कितने लोगों की सेवा की? तो कब आरएसएस सेवा करने के लिए गया? कब आरएसएस उन दुकानों के सामने लाठी लेकर के खड़ा हुआ कि आप ब्लैकमेल नहीं करेंगे? लेकिन ये इनका जो छद्म है, उस समय डर के ये भीतर घुसे हुए थे और सारा माल लूट रहे थे। आज आप आम आरएसएस के लोगों में बात करिए तो वो दूसरे कहेंगे कि ये तो लूट रहा है, माल लूट रहा है। और कुछ दूसरे भी हैं, और जो उसमें ये भी कहा जाता है कि कुछ उसमें जो बहुत सीनियर लोग थे, जो सच्चे ईमानदार थे, उनको कोई जगह नहीं मिली। अब बहुत सारे लोग लूटने के लिए आ गए हैं, उनके लिए एक नया शब्द चल रहा है, नवनेकरवादी, जिन्होंने नया नया हाफ पैंट पहना है वो उसको लूटने में लगे हुए हैं। तो आज जो आरएसएस एक्सपोज हुआ है, राहुल गांधी उसको सामने ला रहे हैं और सीधा आइडियोलॉजी पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का वो समावेशी राष्ट्रवाद है, तो दूसरी तरफ आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और जो कांग्रेस का बहुध्वन्यात्मक बहुलवादी जो संस्कृति वाला भारत है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व पर आधारित भारत है, जिसमें हिंदुओं के भीतर भी उस पूरी जातिगत व्यवस्था की असमानता को मान्यता दी गई है, उस आइडियोलॉजी को सीधे तौर पर राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो इस बात को जान गए हैं कि जब तक आप वैचारिक रूप से मुकाबला नहीं करेंगे आरएसएस का, तब तक आप सशक्त होकर के जमीन पर नहीं लड़ सकते। इसको लेकर के राहुल गांधी बहुत मुतमईन हो गए हैं, और ये बेहतर है। कांग्रेस ने अगर इसको पहले किया होता तो आज आरएसएस यहाँ नहीं पहुंचता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी अगर आज बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरदार पटेल के बाद, इंदिरा गांधी के बाद और राव के बाद जो गलती कांग्रेस से हुई है वो दुरुस्त होगी। जी।